भारत भूटान सीमा से सटे शहर जयगांव में गैर कानूनी तरीके से लाकर बेचे जा रही विदेशी कंपनी की सिगरेट को जयगांव थाना की पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस के द्वारा यह अभियान जयगांव के विभिन्न दुकानों में चलाया गया था। 3 दुकानों से तकरीबन 3 लाख रुपए की सिगरेट जब्त किया गया है। जयगांव थाना प्रभारी दीपंकर शाह ने कहा कि भारतीय कोर्ट के एक्ट के अनुसार भारत में बेचे जाने वाले सिगरेट में एक चेतावनी स्वरूप चित्र लगाकर सिगरेट पीने से कैंसर होने का चेतावनी दिया जाता है, मगर विदेशों में बेचे जाने वाले सिगरेट में ऐसा कोई चेतावनी नहीं रहता। ऐसे ही कोरियन, फ्रांस, नेपाल आदि जगहों से लाकर यहां बेचे जा रहे थे सिगरेट को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि जयगांव के 3 दुकानों में यह अभियान चलाया गया था, जहां से 160 बॉक्स यानी कि करीब अनुमानिक 3 लाख रुपए की सिगरेट को जब्त किया गया है।